दोस्तों बाहुबली पार्ट टू के तरह अब नोटबंदी पार्ट टू आ गया है। हाँ, ये एक मिनी नोटबंदी है, सिर्फ 2000 का नोट सिस्टम से निकाला जा रहा है। और आपको याद होगा नवंबर 2016 की बात, जब ये 2000 का नोट पहली बार लाया गया था, तब गोदी मीडिया के एंकर कह रहे थे ये नोट ब्लैक मनी पर सीधा वार है। कैसे? क्योंकि इसमें नैनो चिप छिपा है जो सीधा सैटेलाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जमीन के नीचे भी अगर कोई गाड़ दे तो भी सैटेलाइट इस 2000 के नोट को ढूंढ निकालेगा। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। ऐसी करेंसी जिसमें NGC लगा होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहे तो 7 तालों में भी बंद करके रखें। अब वही लोग टीवी पर रात को चिल्ला रहे हैं कि 2000 के नोट को बंद करना काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक है। अरे भैया, अगर 6 साल बाद काले धन पे फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करना ही था तो फिर ये 2000 के नोट को लाने की जरूरत क्या थी? चलिए सवाल छोड़िए, मुझे नहीं लगता कि गोदी जर्नलिस्ट खुद इन चीजों पर विश्वास करते हैं। सवाल है कि 2000 के नोट को सिस्टम से निकालने से किसको सबसे ज्यादा परेशानी होगी, किस पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? हम लोगों तो नहीं, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के पास 2000 के नोट बहुत कम होंगे। हमारे पास जो कैश होता है वो ज्यादातर हम बैंक या ATM से निकालते हैं, और पिछले 1-2 सालों से बैंक और ATM से 2000 के नोट बहुत ही कम ही निकले हैं। दरअसल 2020 की तुलना में मार्केट में इस वक्त 2000 के नोट 34% कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी लगभग 181 करोड़ 2000 के नोट सिस्टम में हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको कि इनमें से 20% भी ऐसे नहीं होंगे जो नॉर्मल परिवारों के पास होंगे। फिर किसके पास है? कुछ तो बैंकों के पास ही पड़े होंगे। सब बैंक के पास कैश होता है, हर एक नोट का कैश रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा व्यापारी, दुकानदार और छोटे बिजनेस करने वाले लोगों के पास होगा, क्योंकि बड़े बिजनेस करने वाले कंपनियां जो होती हैं ज्यादातर बैंक या डिजिटल ट्रांजैक्शन वो करते हैं, उनके पास कैश रोजमर्रा के खर्चे के लिए होता है, धंधे के लिए नहीं होता है। हाँ, एक और कैटेगरी है जिनके पास 2000 के नोट हो सकते हैं, बल्कि जरूर होंगे, और वो है राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी। और मेरा मानना है कि ज्यादा ऐसे नोट विपक्ष के पार्टियों के पास होंगे। आप पूछेंगे क्यों? क्या विपक्ष के पास काला धन ज्यादा होता है? ये सवाल ही हास्यास्पद है, क्योंकि जो लोग काला धन का कारोबार करते हैं वो हर वक्त सत्ताधारियों के साथ ही होते हैं, क्योंकि वो जो भी सत्ता में है उनको खुश रखना चाहते हैं, उनके छत्र छाया में जीना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या BJP। और इससे भी बड़ी बात यह है कि काला धन सिर्फ कैश में नहीं होता है। काला धन रियल एस्टेट में, गोल्ड में, कंपनियों के झूठे इनवॉइस में, ऐसे चीजों में छिपा रहता है। तो फिर भी मैं क्यों कह रहा हूं कि हो सकता है कि ज्यादा 2000 के नोट विपक्ष के पार्टियों के पास हो, इसका कारण है कि इसी के रूल के मुताबिक कोई भी इंसान बिना अपना नाम का खुलासा करके सिर्फ 20,000 रुपए ही किसी पार्टी को कैश में दे सकता है, और अगर वो गुमनाम रहकर ज्यादा पैसा देना चाहे तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर पैसा पार्टियों को दे सकता है, जो कि बैंक के रास्ते राजनीतिक दल के पास जाता है। 2018 से लेकर 2022 तक जितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए उसका 57% BJP को गया है, और कांग्रेस को मिले हैं सिर्फ 10%। अब इलेक्टोरल बॉन्ड अनोनिमस यानी गुमनाम जरूर तो हैं, लेकिन उनका KYC होता है और वो बैंक के रास्ते से जाते हैं। हाँ, सरकार का कहना है कि ये बॉन्ड किसने खरीदा है ये सरकार को भी नहीं पता चल सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कोई चांस लेने वाला है कि भैया सरकार को पास पता चल जाए और हम ज्यादा पैसा विपक्ष को दे दे और फिर हमारे ऊपर रेड हो जाए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष को ज्यादा पैसा देने से रेड हो जाएगा, लेकिन जो दे रहे हैं उनके मन में ये आशंका जरूर हो सकती है। इसलिए अगर कोई भी कारोबारी किसी विपक्ष के पार्टी को पैसा देना चाहेगा तो वो यही 20,000 नकद वाला रूट लेगा, गुमनाम भी रहेगा और अपने अकाउंट को जोड़ने की उसे कोई जरूरत नहीं होगी। तो RBI चाहे या ना चाहे, लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले 2000 का नोट हटने से सबसे बड़ा असर
विपक्षी पार्टियों पर ही होगा। फिर से बता रहा हूं, इसमें काले धन का कोई खेल नहीं है, ये सिर्फ गुमनाम तरीके से कैश डोनेशन को रोक देगा और विपक्ष के पास अगर कैश पड़ा है तो उनको बैंक के चक्कर लगवाएगा। यही है नोटबंदी पार्ट टू का राजनीतिक यानी पॉलिटिकल असर। हाँ, जाते जाते एक बार लाइक सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। अगली बार तक नमस्कार।